नमस्कार, अभी अभी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। चलते हैं खबरों की ओर। बात कर ले यहां पर अगर सदन की, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर बयान दिया और अपने बयान में रक्षा मंत्री ने बताया कि हेलीकॉप्टर का संपर्क दोपहर 12:08 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया था, इसके बाद वह क्रैश हो गया। स्थानीय लोग जब घटनास्थल पर पहुंचे तो हेलीकॉप्टर में आग लग चुकी थी। रेस्क्यू टीमें मौके पर भेजी गई और हादसे में बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को वेलिंगटन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो जहां वे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर इस वक्त हैं, तो वहीं उनकी जान बचाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। रक्षा मंत्री ने बताया कि कन्नूर में हादसे वाली जगह से ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है, इससे ही हादसे की असल वजह सामने आ पाएगी। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानविंदर सिंह की अध्यक्षता में एक क्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति